अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए फुल रिव्यू सोनी एग्जिट 3 का, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। और आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इसी स्मार्टफोन का और फुल रिव्यू करेंगे, और मैं आपको इसके 5 पॉइंट्स बताऊंगा। पहले वो मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी और गेमिंग और इसका कैमरा, ये आपको मैं आज बताऊंगा इसके क्या क्या इसके अंदर फीचर दिए गए और इसका आज फुल रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वाला स्मार्टफोन बाय करना है और या फिर आपने एग्जिट 2 बाय करना है तो आप फिजान कम्युनिकेशन से बाय कर सकते हैं। सारी जो कि डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और फिजान सर का ये व्हाट्सएप नंबर इधर मिल जाएगा, तो आप इजीली यहां से जाके परचेस कर सकते हैं। तो इधर आपको पाउच और एक चार्जर केबल वगैरह फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, बात कीजिए अब इसके प्रोसेसर की, सोनी एग्जिट 3 के प्रोसेसर की। तो गाइस, इसके अंदर जो कि लगाया गया है वो लगाया गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, जो कि 2.80 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। और इसके अंदर 8 कोर्स मिल जाते हैं आपको, जो कि परफॉर्मेंस के अंदर मदद करते हैं, और परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही गुड हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसके अंदर ये वाला प्रोसेसर लगाया गया, ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रोसेसर है, और जो इसकी प्राइस है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इस हिसाब से इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये आजकल महंगे डिवाइस में आते हैं, जैसे S20 अल्ट्रा हो गया, ये आते हैं महंगे डिवाइसेस में, ये प्रोसेसर आता है और इसकी मतलब परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले जो कि इसका है वो है जी 5.99 इंचेस का डिस्प्ले है, और ये एक ओलेड पैनल है, और दूसरा तो ये कि ये एक एजेस पैनल है, ठीक है। आप इसके डिस्प्ले को गौर करोगे तो ना, जब आप हाथ में लोगे काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा, और इसका जो कि वेट है वो भी काफ़ी हल्का है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये इसका डिस्प्ले, और डिस्प्ले की बात की जाए, आपने अगर आप चलाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इसका डिस्प्ले कितना अमेजिंग है। और ये एक ओलेड पैनल के होने के नाते ये काफ़ी ज़बरदस्त पैनल लग रहा है हाथ में निकाल के। तो ये हो गया इसके डिस्प्ले। अब बात की जाए इसके गाइस स्टोरेज की, तो इसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाएगा, और इसके अंदर एंड्रॉयड 11 के आने की भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा। आई थिंक आ भी गया होगा, अपडेट तो मुझे मिला था बट मैंने किया नहीं है, वो भी मैं आपको अपडेट ज़रूर दे दूँगा। तो बात करते हैं अब इसकी बैटरी की, तो ये थर्ड नंबर पे जो कि है हमने रखा था बैटरी की, तो इसकी जो बैटरी है वो 330 mAh की है, 3330 mAh की इसकी बैटरी है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। मैं पहले भूल गया था, 3330 इसकी mAh है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और आराम से आपके एक दिन तो निकल ही जाएगा। और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है और वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, ठीक हो गया। अब बात की जाए इसके फोर्थ नंबर इसकी गेमिंग की, तो गेमिंग अगर आप पबजी यूज़र हो तो भाई आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसका पबजी टेस्ट जल्दी मेरे चैनल पे आ रहा है। और दूसरा इसकी ग्राफिक्स की बात की जाए पबजी के, तो इधर आपको स्मूथ प्ले एक्सट्रीम और बैलेंस के साथ आपको अल्ट्रा मिलेगा, HD के साथ भी अल्ट्रा मिलेगा, और HDR के साथ भी आपको अल्ट्रा मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हो उसमें भी ये तमाम ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं फाइव्थ नंबर पर हमारा जो किया है वो है जी कैमरा। अब इसके जो कि बैक कैमरा है वो है एक सिंगल कैमरा, ठीक है, और बैक में आपको कुछ सेंसर और LED फ्लैश आपको देखने को मिलती है, और इधर कुछ सेंसर भी आपको देखने को मिलते हैं, और नीचे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफ़ी अच्छा है। और दूसरा आप बात कीजिए इसके कैमरा की, तो बैक कैमरा इसका 19 MP है, ठीक है, 90 MP 19 MP इसका बैक कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए गाइस, फ्रंट कैमरा इसका 13 MP है, जो कि बैक कैमरा में आप 4K वीडियो भी रेजोल्यूशन के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p 60 MP के साथ भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी आप 1080p और 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो स्मार्टफोन है गाइस काफ़ी अच्छा है, और मैंने इसके आपको स्पेस बता दिए। अब आती है इसकी प्राइजेस की, तो गाइस इसकी जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। इसकी जो सोनी एग्जिट 3 की जो प्राइस है वो काफ़ी अमेजिंग, और इधर मेंशन हो रही होगी प्राइजेस की क्या है वो आप देख लेना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये बाय करना है तो आप सीधा फिजान कम्युनिकेशन से बाय कर सकते हैं, ये इनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन हो रहा होगा, और इनकी शॉप की जो डिटेल्स हैं वो नीचे मेंशन हो रही होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जल्द ही पबजी रिव्यू आने वाला है, और इसका भी फुल रिव्यू आने वाला है सोनी एग्जिट 2 का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।